क्या किस तरह से एनडीआरएफ के साथ आप सेवा कर रही हैं लोगों को वैक्सीन को लेकर के? जी ये हम लोग मतलब कि हमारे सीएमओ ऑफिस से ड्यूटी लगाई गई है, हम कह देते हैं कि निशुल्क सेवा कर रहे हैं। अब तक कितनों क्षेत्रों में लग चुका होगा वैक्सीनेशन का कार्य? फिलहाल तो अभी तो हुकुलगंज का ही हम प्लान कर रहे हैं, अदर क्षेत्र की अदर लोग बता सकते हैं। क्या कहेंगे जो वैक्सीन लगवा रहे हैं उनकी तबीयत बिगड़ रही है, देखा जाए बुखार का शिकायतें आ रही हैं, उसमें क्या कहेंगे? सामान्य सी बात है कि अगर वैक्सीन लग रही है तो फीवर आना ही है, फीवर आएगा ही। जैसे एक छोटे बच्चे में सिम्टम होता है कि वैक्सीन लगने के बाद फीवर आता है, इस तरह इसमें भी है। कैसा सुनने में आ रहा है कि कोरोना का वो बच्चों को लेकर क्या प्रतिभागी बन रहा है कि बच्चों पे भी असर कर रहा है? ऐसा तो हो ही रहा है, न्यूज़ में भी दिखाया ही जा रहा है कि बच्चों पे भी असर है। फिलहाल अभी हमारे यहाँ से कोई केसेस। तीसरी लहर आने वाली है, देखा जाए तो शहर के सारे हॉस्पिटल में उसकी तैयारी को लेकर बड़ी जोरों शोरों पे है, कि कहाँ तक तैयारी हुई है उसके विषय में कुछ जानकारी? इसकी तैयारी बीएचयू में पूरी तरीके से हमारे सीएम योगी आदित्यनाथ करवा चुके हैं।